हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन, आपका दोस्त, और एक बार फिर से आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्रिया, और क्रिया में आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के उपभेद। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया क्रिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया, एक कॉन्सेप्ट बताया, ट्रिकी कॉन्सेप्ट जो आपको बताएगा कि कैसे पहचाने अकर्मक सकर्मक को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, तभी आप ये आगे समझ पाएंगे। और वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो क्रिया के उपभेद में सबसे पहले नंबर पर प्रेरणार्थक क्रियाएँ मैंने लिखा हुआ है, मोटिवेशनल एक्शंस कह सकते हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं। इनके नाम से स्पष्ट होगा कि ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं नहीं करता है बल्कि किसी और से करवाता है, किसी और से करवाता है या किसी और को करने के लिए प्रेरित करता है। खुद नहीं करता है वो, किसी और के द्वारा करवाता है या फिर वो किसी और को क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसका नाम है प्रेरणार्थक क्रियाएँ। जैसे लिखवाना, पढ़वाना, धुलवाना, बनवाना, मरवाना, दौड़ाना, जितवाना, लड़वाना। हम कहते हैं भाई कि हम कपड़े धोबी से धुलवाते हैं, तो वहाँ पे धुलवाते खुद नहीं धुलते हैं, ठीक है। अध्यापक बच्चों से पढ़वाता है, तुम मोहन से पत्र लिखवाते हो, तो इस तरह से लिखवाना, पढ़वाना, दौड़ाना, जितवाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएँ हैं, क्योंकि हम यहाँ पर खुद काम नहीं करते बल्कि किसी को करने के लिए प्रेरित करते हैं, किसी से काम करवाते हैं। बेहद आसान। अगले नंबर पे महत्वपूर्ण है पूर्वकालिक क्रियाएं। ये भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं अलग अलग तरीके से। तो पूर्वकालिक क्रियाएं क्या है, ये भी अपने नाम से जानी जाएगी। पूर्वकालिक, पूर्व माने पहले, कालिक मतलब समय, काल माने समय होता, तो पहले समय नहीं, ठीक पहले हुई क्रियाएं, समय के अनुसार पहले हुई क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रियाएं कहेंगे। ऐसी क्रियाएं जो किसी एक क्रिया से ठीक पहले घटित होती हैं उन्हें पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। इनकी एक पहचान है, वीक पहचान है, इनके अंत में कर अथवा करके शब्द जुड़ा रहता है। जैसे वह खाना खाकर आया है, तो यहाँ पे क्या है, खाकर, खाना खाकर आया है, आया है, आया है से पहले क्या हुआ, खाना खाकर, तो आया है क्रिया है, आया यानी आना से पहले क्या हुआ, खाना खाना, तो खा कर में क्या है, पूर्वकालिक। अपना काम करके जाओ, जाओ भी एक क्रिया है लेकिन उससे पहले क्या, काम करके, तो यहाँ पे करके क्या है, पूर्वकालिक। बच्चे पूछ कर बाहर जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, पूछते हैं, तो जाने से पहले जो क्रिया हुई वो पूर्वकालिक है। तो बहुत ईजी है, करके, पूछ करके, खा करके, देख करके, सुन करके, इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं, जो भी क्रिया होती है वो होती पूर्वकालिक, जो कि बेहद आसान है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगले क्रिया की ओर चलते हैं दोस्तों, जो और भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका नाम है नाम धातु क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं। दोस्तों ये एक नाम केवल आपको सुनने में अजीब लगेगा, बाकी बहुत इजी होती है। नाम धातु क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो किसी संज्ञा अथवा विशेषण से बनी होती हैं, यानी ये शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से खुद क्रिया नहीं होती बल्कि किसी संज्ञा या विशेषण से ये क्रिया बनाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम है नाम धातु क्रियाएं। किसी नाम से इन्हें धातु में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि नाम शब्द संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है। जो भी नाम होते हैं वस्तु के, व्यक्ति के, स्थान के, वो क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं, तो उसी से नाम धातु शब्द बना है कि वे धातुएं जो संज्ञा अथवा विशेषण से बने वो नाम धातु क्रियाएं होंगी। जैसे है हाथ शब्द से क्या है, हथियाना, कहते नहीं कि उन्होंने उनका सामान हथिया लिया, ले लिया जबरदस्ती। लात शब्द से लतियाना, बहुत ही आप इसको जानते हैं। बात से बतियाना, गर्म शब्द विशेषण है गर्माना। लाज शब्द आपका संज्ञा है लजाना। चिकना शब्द आपका विशेषण है चिकनाना। तो इस तरह के उदाहरण जो किसी संज्ञा अथवा विशेषण के द्वारा क्रिया के रूप में परिवर्तित हो, क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो, उसे कहते हैं नाम धातु, जो कि बेहद आसान है और इसको आप याद रख सकते हैं।
दोस्तों अगले नंबर पे है संयुक्त क्रियाएं, नंबर 4 पे संयुक्त क्रियाएं। इसके नाम से स्पष्ट है भाई, ऐसी क्रियाएं जो एक से अधिक धातुओं के योग से या एक से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती है वो संयुक्त क्रियाएं कहते हैं भाई। इसके नाम में ये संयुक्त शब्द। श्याम घर पहुंच गया, तो पहुंचना और गया दो क्रियाएं संयुक्त रूप से आ रही हैं, पहुंच गया। बंदर पेड़ से कूद पड़ा, कूदना और पड़ना दो कूद पड़ा शब्द संयुक्त है। अब उसे जाने दो, जाना और देना तो जाने दो दोनों एक साथ हैं। वे दिल्ली में रहने लगे, रहना और लगना तो रहने लगे, तो पहुंच गया, कूद पड़ा, जाने दो, रहने दो, आने दो, खाने दो, पढ़ने दो। इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं जो एक से अधिक क्रियाओं के साथ बनी रहती हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त क्रियाएं, जो कि बहुत आसान है, आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं नंबर 5 की तरफ। दोस्तों नंबर 5 पे है द्विकर्मक क्रियाएं। द्विकर्मक से भी काफी इजी है, द्वि का मतलब दो, कर्मक माने कर्म, दो कर्म वाली क्रियाओं को द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो दो कर्म के साथ प्रयुक्त होती हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। उसने मुझे उपहार दिया, तो यहाँ पे मुझे और उपहार दो कर्म हैं, मुझे और उपहार, तो उसने मुझे उपहार दिया, तो दिया क्रिया कैसे द्विकर्म, क्योंकि यहाँ पे दो कर्म आ रहा है मुझे और उपहार। मैंने आपको हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे क्या है भाई, हिंदी और आपको, तो आपको भी आपका कर्म होता है, हिंदी भी कर्म होता है, तो ये आपका पढ़ाई यहाँ पे कैसी क्रिया द्विकर्मक। मोहन ने राम को थप्पड़ मारा, तो राम को और क्या किया, थप्पड़ मारा, मोहन ने राम को थप्पड़ मारा, तो राम को थप्पड़ मारा वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी आपका हो जाएगा द्विकर्मक क्रियाएं। ऐसे ही मैंने आपको मोबाइल दिया, तो आपको और मोबाइल, तो इस तरह से दोस्तों जब दो कर्म एक वाक्य में हो, दो कर्म एक क्रिया के लिए प्रयुक्त हो, उन्हें हम कहते हैं द्विकर्मक। ये उदाहरण आपको स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि द्विकर्मक क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आज नंबर 6 पे अंतिम क्रिया का जिक्र करना चाहूँगा इस वीडियो का, सहायक क्रियाएं। बहुत आसान है, जैसा कि इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक उसी का हिंदी ट्रांसलेशन आप मान के चलिए। ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के बनावट में सहायता करती हैं, वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करवाती हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। वे मंदिर जाते हैं, तो यहाँ पे हैं, जाना के साथ हैं क्या, ये आपकी सहायक क्रिया है। सभी हंस रहे थे, तो यहाँ पे रहे थे क्या है, ये आपकी ये सहायक क्रिया है, क्योंकि हंसना मुख्य क्रिया है। तो इस तरह से हंस रहे थे, सो रहे थे, जा रहे थे, हैं, ता, था, ती, थी, ते, थे, जो नहीं होता है कि वो रहता था जंगल में, रहता था, तो था वहां पे क्या है, सहायक क्रिया। तो आसानी से समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में जो टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, इन्हीं को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। हैं, हूं, हो, था, थी, थे, ये सब क्या है, सहायक क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी क्रियाएं जो बेहद महत्वपूर्ण है, नाम धातु पूछी जाती है, पूर्वकालिक पूछी जाती है और प्रेरणार्थक क्रियाएं पूछी जाती हैं, तो इनको आपको लर्न करना है। दोस्तों इनका एक वीडियो मैं आपको और दूंगा, जिसमें मैं आपको अभी क्रिया की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा और इनके साथ साथ इनका एक अभ्यास कार्य में दूंगा, ताकि आपको पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाए, लेकिन वो मैं अगले वीडियो में दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।